नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान शुरू हो गया है। सबकी नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से ही सुनिए किसे कहां से टिकट दिया गया। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरिटा राजीव सिंह, नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद, नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम, 46 किठोर में श्रीमती बबीता गुर्जर, 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी, 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक, 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल, 92 में श्रीमती मनोज दीक्षित, 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर, 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा, 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल, एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा, मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया, करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी, बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा, बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह, बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती, बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती ऋतु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती वाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिलहौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमा कांति, औरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और महनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के नामों का ऐलान करते हुए कहा कि ये सभी महिलाएं संघर्ष करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। फिलहाल नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का सिकंदर कौन बनता है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।